गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे क्लास 2 मैथ्स चैप्टर सब्ट्रैक्शन। चैप्टर 5 है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। फर्स्ट पार्ट वीडियो का आप देख सकते हैं पहले यूट्यूब पे। ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो हमने हाफ चैप्टर पहले कर लिया था, तो हाफ चैप्टर अब हम अभी करेंगे। आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। आपको जो ये आंसर्स दिए गए हैं उनको देखना है कि कौन सा सही है इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए द नंबर विच इज़ टू सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड। मतलब वो नंबर जो घटता है, सब्ट्रैक्टेड होता है, घटता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? माइनेंट। क्या बोलते हैं? माइनेंट। तो हम माइनेंट पे टिक कर देंगे। इफ़ वी आर सब्ट्रैक्ट 9 टेंस एंड 2 वंस फ्रॉम 100 वी गेट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, अगर आप 9 टेंस और 2 वंस, मतलब 2 पहले लिखा जाएगा, 9 बाद में, 92 बन गया ये, 100 वी गेट। आप 9 टेंस एंड 2 वंस फ्रॉम 1, मतलब 92 को 100 में से घटाते हो तो कितना बचेगा आपके पास? तो आप घटा के देख लीजिए, ये 0 में से 2 नहीं जा सकता, 0 में से 9 भी नहीं जा सकता, ये 1 इसके पास चला जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा। इसको भी 1 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 9। तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, और ये यहाँ पे 0 ही था, तो क्या बचा हमारा? 8। तो कहाँ पे लगाना है आपको? 8 पे टिक लगाना है। थर्ड है, आपको 500 में से 482 माइनस करना है, तो आप माइनस करेंगे 500, ऊपर लिखा आपने, और जो 482 है वो नीचे लिखा। तो क्या करना है आपको? ये 0 में से 2 नहीं जा सकता, 0 में से 8 नहीं जा सकता, 5 से आप 1 कैरी लोगे तो ये 10 बन जाएगा, और इसको भी 1 की ज़रूरत है, तो ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, क्योंकि 1 इसने दे दिया ना इसको, तो यहाँ पे 0 बन गया। तो ये कितना बचा? 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 पे टिक कर देंगे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इन्हें फिल करना है। कैसे करना है? ए में देखिए 540 में से 540 माइनस करना है, तो जो चीज़ है हमारे पास और वही चीज़ हमें घटानी है, उतनी चीज़ घटानी है, तो हमारे पास कितना बचेगा? 0 बचेगा। ये क्या है? 891, उसमें से 0, मतलब हमें किसी चीज़ में से 0 घटाना है, तो हमारे पास 891 आएगा। तो अगर हम 891 में से 0 घटा दें तो हमारे पास 891 ही आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 891। ये क्या है? 8 टेंस 3 वंस इक्वल किसके बराबर है? 7 टेंस, क्योंकि 8 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 8, 9, 10, 11, 11 बनेगा, और यहाँ पे हमें बराबर करना है इसको, 7 है हमारे पास और 11 बनाना है, तो क्या करेंगे? इसमें हम 4 वंस जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा। अब 500 में से क्या घटाने पर 499 आएगा, सो 1 घटाएंगे तो 499 आएगा। तो अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब आपको इनके साथ लिखना पड़ेगा, इनके प्लेसेस वंस है, ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड प्लेस पे है। लाइक जैसे कि ये पहले लिखेंगे, ये ऊपर आएगा ना, तो 8 कितने प्लेस पे है? वंस प्लेस पे, 1। 7 कितने प्लेस पे है? 10। और जो ये हमारा जो ये 4 है वो कितने प्लेस पे है? 100। 400 7 10 8 1। नीचे वाली की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे आप, 2 वंस प्लेस पे है, 2 1। 4 कौन से प्लेस पे है? 10 प्लेस पे है।
तो 4 10, 3 कौन से प्लेस पे है, 100। तो अब इसको क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, 8 में से 2 गया 6, और ये प्लेस कौन सा है, 1। 7 में से 4 गया 3, प्लेस कौन सा है, 10। 4 में से 3 गया 1, प्लेस कौन सा है, 100। ये हो गया, हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया ऐसे एक्सपेंड। ऐसे ही इसमें जो 2 था वो 1 प्लेस पे था, 8 है वो 10 प्लेस पे है, 9 है 100 प्लेस पे है, और ये नीचे वाला 2 है 1 प्लेस पे, 4 कितने प्लेस पे है, 10 पे, और 8 100। तो 100 के नीचे 100, 10 के नीचे 10, 1 के नीचे 1, और इसको क्या करें, माइनस, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन। इसमें 6 किससे कितने प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, 9 10 प्लेस पे, 7 100 प्लेस पे। ऐसे ही जो ये दूसरे में 1 कितने हैं, 1 पे प्लेस पे, 8 है 10 प्लेस पे, जो 4 है वो 100 बेस पे, और ये इसको क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, 6 में से 1 गया 5 और प्लेस कौन सा है, 1, 9 में से 8 गया 1 तो प्लेस कौन सा है, 10, 7 में से 4 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 3, तो 300। ठीक है, ये हो, ऐसे ही आपको ये बाकी सब भी एक्सपेंडिव फॉर्म में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, आपको ये सम्स दिए गए हैं, आपको सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। कैसे घटाना है, वही 5 में से 2 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 3 गए 4, ऐसे ही 3 में से 3 गए 0, 8 में से 5 गया 4, 3, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4। ये सेम ही है, आपको इसमें से सिर्फ घटाना है। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे कि ये है, 10 में से देखो 0 में से 5 नहीं जा सकता हमें पता है, तो क्या करें, इसने इसको 1 दे दिया ये, लेकिन इसके पास भी कमी है, ये खुद कैसे देगा, क्योंकि इसके पास भी कमी है, इसको भी चाहिए 1, तो इसके पास कमी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इससे 1 ले लेंगे, 1 इसने दे दिया तो क्या बन गया ये, 5 से 15 हो गया, क्या हो गया, 5 से 15, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे भी चाहिए, तो 15 ने क्या किया, इसको भी 1 दे दिया, तो ये क्या 10 बन गया, और 15 ने 1 इसको दे दिया तो कितना बन रह गया इसके पास, 14। तो 15 में जो ये 10 है, 10 में से 5, ये यहाँ पे 14 रह गया ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 7, और 8 ने 1 दे दिया था तो अब कितना बचेगा, 7 हो जाएगा, ये 7 में से 3 करेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। यही सेम ऐसे ही है, इन दोनों के पास कमी है तो इसने इससे ले लिया 1, तो यहाँ पे 10 बन गया था, फिर इसको भी चाहिए था तो यहाँ पे 9 रह गया, और इसका 1 मिल गया तो 10, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे कितना, 1 इसने इसको दे दिया ना, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 2 गया 7, मतलब 7 ने 1 इनको दे दिया था तो क्या बचा यहाँ पे, 6, 6 में से 2 गया 4। ऐसे ही सेम ये ऐसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमन कलेक्टेड 270 रोसेस ऑफ टू कलर्स, इफ 155 आर रेड रोसेस, हाउ मैनी आर वाइट रोसेस। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमन है उसने क्या किए, कलेक्ट किए 270 रोज़ेस कलेक्ट किए, गुलाब इकट्ठे किए, और उसमें से क्या थे जो 155 थे वो रेड रोज़ेस थे, तो उसने सफ़ेद भी इकट्ठे किए थे, तो अब ये पूछ रहा है कि सफ़ेद गुलाब कितने इकट्ठे किए, तो सिंपली क्या करेंगे हम, 272 में से अगर हम 155 रेड रोज़ेस घटा दें तो हमारे पास वाइट रोज़ेस आ जाएंगे, तो ये क्या है, 2 इससे छोटा है ना, तो क्या करेंगे हम, इससे एक कैरी ले लेंगे, 12 में से 5 गए 7, और ये क्या है, 6 रह गए हैं यहाँ पे, 1 हो जाएगा, और 117 क्या बन जाएगा, 117 वाइट रोज़ेस लिए अमन ने। नेक्स्ट आता है, राज में 367 कैंडल्स,
आउट ऑफ देम 127 वेयर रेड, हाउ मैनी वेयर नॉट रेड, मतलब जो राज ने 377 कैंडल्स मोमबत्ती बनाई और वो क्या था 123 उसमें से रेड थी, तो बाकी जो बची वो कितनी होंगी, तो इसके लिए क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, 367 टोटल कैंडल्स थी और रेड कैंडल्स कितनी है 127, तो इसमें से घटा देंगे, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, कितना बच गया 240 अदर कैंडल है उसके पास, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर। थैंक यू। अब हम अपनी वर्कशीट करते हैं। ये है हमारी होम वर्कशीट, सब्जेक्ट है मैथ और टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, डेट है हमारी 25, डे है वेनसडे। चलिए ये मैथ की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, आपको ये जो दिए गए हैं सम्स इनको घटाना है, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाना। तो देखते हैं फर्स्ट 8 में से 9, 8 जो 9 है वो 8 से बड़ा है इसलिए इसमें से नहीं घट सकता है, तो हम क्या करेंगे कैरी लेंगे। कैरी लेने के लिए 7 में से 1 इसकी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 18, और ये इसने एक इसको दे दिया तो कितना बचेगा इसके पास 6, तो 18 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9, और 6 क्योंकि इसने एक इसको दे दिया था ना तो ये 6 हो गया, 6 में से 2 गए तो कितना हुआ 4, 8 में से 2 गया 6। नेक्स्ट करते हैं, ये भी ऐसे ही है जो 3 है वो 2 से बड़ा है तो हम 2 में से 3 नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे हम 3 में से 1 ले लेंगे, 3 में से 1 लेने पर क्या होगा 2 है वो क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा, और जो ये 3 है वो क्या रह जाएगा 2, तो 13 में से जो ये 12 बन गया तो 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा 9, और जो ये 2 में से हम 0 घटाएंगे तो 2, 4 में से 0 घटाए 4, ऐसे ही आपको ये सब करने हैं, ये सम्स ऐसे माइनस करके, जैसे कि ये है आपने यहाँ पे 2 का क्या हो गया 12 हो गया, 12 में से 5 गए 7 बचे, और यहाँ पे 4 का 3 रह गया तो 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गए 1। अब नेक्स्ट पे ये 5 था तो यहाँ पे इसने 1 इसको दे दिया क्योंकि ये इससे बड़ा था ना, तो 15 में से 6 गए 9 बचे, और ये एक इसने दे दिया तो 2 में से 2 गए 0, और 4 में से 1 3। ये वाला सम इसमें क्या है 3 जो 4 है ये इसमें भी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 13 जो 1 है वो 13 3 का 13 बन जाएगा, 13 को 4 से घटा देंगे तो कितना आएगा 9, और यहाँ पे क्या रह ये जो है यहाँ पे 9 है, तो हम क्या करेंगे हम देख रहे हैं इस सवाल में कि जो ये 4 है वो 3 से बड़ा है और जो 6 है वो भी 5 से बड़ा है, तो ये दोनों के पास कम एक एक कम है, तो हम क्या करेंगे अब इससे लेंगे एक, जो 9 है इससे एक लिया तो ये क्या बन गया 15 बन गया, अब 15 में से 6 तो आसानी से जा सकता है लेकिन इसको भी एक की ज़रूरत है, तो 15 में से एक हम इसको दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा, और ये 15 का क्या रह जाएगा 14, और ये 13 बन जाएगा, 13 में से 4 गया 9 और ये 14 रह गया, यहाँ पे 14 में से 6 गए 8, और ये 9 का क्या रह गया 8, तो 8 में से 0 गए 8। अब इसमें देखेंगे कि 4 बड़ा है तो 13 इसने इसको दे दिया 3 को तो 13 बन गया, 13 में से 4 गए 9 बचे, 6 में से 6 गए 0, 5 में से 5 0, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द डिफरेंस, आपको इन दोनों को क्या डिफरेंस पता लगाना है, डिफरेंस मतलब अंतर, तो आपको सिंपल इनको माइनस ही करना है, माइनस मीन्स घटाना है। फर्स्ट है
20 में से माइनस किया 10 तो कितना आएगा, 10 आएगा। 11 में से माइनस किया 1 सो हमारे पास 10 आएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 13 में से माइनस करेंगे 1 तो 12 आएगा। 11 में से 0 करेंगे तो 11 आएगा। 12 में से 0 करेंगे 12 आएगा। 15 में से 11 करेंगे, जैसे कि 15 ऊपर लिखा 11 नीचे, और इसको माइनस कर देंगे 5 में से 1 4, और ये 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे क्या बचा 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 4। 10 में से 10 गए 0, 0 में से 0 ही घटाना है तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। और 50 में से 30 माइनस किया तो हमारे पास 20 आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पेज, थर्ड क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करने हैं। कैसे मैच करने हैं, ये आपको सम दिए गए हुए हैं, ये इनके कुछ आंसर दिए गए हुए हैं, आपको पता लगाना है कि कौन सा इसका सही आंसर है और उसके साथ मिलान करना है। जैसे 40 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, घटा के देखिए 40 में से 20 0 4 2 कितना बचा 20, तो हम 20 से इसका कर देंगे, मिला देंगे। 10 में से 0 गए, 0 मतलब होता है कुछ नहीं, तो 10 में से आप कुछ नहीं घटाओगे तो 10 ही बचेगा, तो 10। 3 में से 3 गए 0, 6 में से 0 गए 6, 7 में से 2 गए कितना बचेगा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है फिल बॉक्सेस। आपको ये जो ब्लैंक बॉक्सेस दिए गए हैं ना, इनको फिल करना है। कैसे फिल करना है, ये जो आपको ये दिए गए हुए पिक्चर्स दी गई हैं, इनको पहले काउंट करना है, और ये भी काउंट करना है, और फिर इनको माइनस करना है। पहले काउंट कर लेते हैं, जैसे सपोज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये कितने पेड़ है हमारे पास 20, तो हमें 20 में से घटाना है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं ये 10, तो हम, और बीच में क्या है, माइनस का निशान है, तो हम क्या करेंगे 20 में से 10 माइनस कर देंगे। 0 में से 0, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया हमारा कितना बचा 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, अब इनको काउंट करो, बॉल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बॉल्स हैं 10, और ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो आपको 10 में से 2 माइनस कर 10 में से 8 माइनस करना है, तो क्या आएगा 2 आएगा आंसर, तो यहाँ पे आप बॉक्स में क्या लिख दोगे 2। अब थर्ड, पेंसिल्स गिननी है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी है 12 है, ये 12 पेंसिल है, और कितनी घटानी है 3 पेंसिल घटानी है, तो यहाँ पे 3, और माइनस किया हमने 12 में से 3 गया कितना बचा 9, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 9। ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।